जी हाँ दोस्तों, आपको महाभारत का द्रौपदी का चीरहरण का सीन तो याद ही होगा। किस प्रकार से द्रौपदी के चीरहरण के दौरान साड़ी थी वह खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके पीछे भले से ही महाभारत में श्री कृष्ण जी की लीला थी, लेकिन क्या आपने सोचा होगा कि हकीकत में जब यह सीन शूट किया गया होगा तो इतनी लंबी साड़ी कहाँ से मंगाई गई होगी। ये जरूर आपके दिल में सवाल आता होगा, आपके जहन में सवाल आता होगा कि ये साड़ी जब खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी तो आखिरकार महाभारत वाले यानी कि जिन्होंने महाभारत शूट करी है वे साड़ी को लाए कहाँ से होंगे। अपने इस वीडियो में हम आपके इस सवाल का जवाब देते हुए दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि महाभारत, रामायण और साथ ही साथ उन सीरियलों से जो इन दोनों लॉकडाउन के समय में प्रसारित हो रही है उनसे जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुने किस्से हम आपके लिए लाते रहते हैं। अब आपको बताया दोस्तों, किस प्रकार से महाभारत में कौन सी साड़ी का इस्तेमाल हुआ था जो कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी द्रौपदी के चीरहरण के दौरान। क्योंकि बताया जाता है दोस्तों कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था यानी सीन शूट हो रहा था तो उस सीन को सिर्फ एक ही टेक में कर लिया गया था, यानी कि द्रौपदी जी ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि उनकी आंखों से आंसू नहीं बंद हो रहे थे और साथ ही साथ उनकी जो साड़ी थी वो भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। इसके पीछे की बड़ी वजह ये थी कि द्रौपदी के चीरहरण के सीन में साड़ी वाले शॉर्ट्स के लिए मेकर्स ने यानी कि महाभारत के मेकर्स ने एक काम ये किया था दोस्तों कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों से उन्होंने अपनी बातचीत करी और उनको पूरा सीन समझाया। तो ऐसे में इसका निष्कर्ष ये निकल कर आया कि उन्होंने 250 मीटर साड़ी का प्रबंध किया था, यानी 250 मीटर साड़ी का प्रबंध किया था जिसका ये एक पूरा रोल था, जहाँ पे पूरे एक रोल थी साड़ी का जिसमें 250 मीटर की साड़ी थी। यहाँ दोस्तों ये देखते ही बनता होगा किस प्रकार से ये रोल कितना भारी रहा होगा और इस सीन को शूट करते वक्त कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा इस महाभारत के मेकर्स के लिए। लेकिन मेकर्स की तारीफ जितनी भी की जाए उतनी कम है, क्योंकि उन्होंने एक इतिहास रच लिया है जहाँ पे इतने सालों बाद भी जब महाभारत टीवी प्रसारित हो रही है लॉकडाउन के माहौल में तो सभी दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है और साथ साथ वह काफ़ी प्यार भी बटोरती हुई दिखाई दे रही है। मुझे दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए धन्यवाद दोस्तों।